नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। INT टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। जम्मू कश्मीर के लगातार बिगड़ते हालात से परे मुंबई की बॉलीवुड अपनी धुन में मगन, अपने कामों में मशगूल। अभी खबर है कि पिछले हफ्ते अपने शेड्यूल के मुताबिक अनुराग कश्यप की फिल्म मन मर्जियां की शूटिंग की गई। कश्मीर के सोनमर्ग में की गई फिल्म शूटिंग के अहम सितारे अभिषेक बच्चन हैं। चूंकि वहां के हालात बेकाबू बताए गए हैं, इसीलिए रियासती एडमिनिस्ट्रेशन ने सिक्योरिटी बुनियादों पर उन्हें एक घंटे तक एयरपोर्ट पर ही रुकवा दिया। फिर रियासती पुलिस की कड़ी सिक्योरिटी में उन्हें हेल्थ रिजोर्ट टाउन ले जाया गया, जहाँ शूटिंग की। बाद अजा जूनियर अमिताभ ने मीडिया को मुखातिब करते हुए दूसरे फिल्म साजों पर जोर दिया कि कश्मीर हकीकत में फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन जगह है, लिहाजा अगर इस खत्ते में ज्यादा से ज्यादा शूटिंग के मौके निकाले गए तो फिल्म भी उससे महफूज हो सकेंगे। वेरी हैप्पी टू बी बैक हियर, यू नो, वेरी नॉस्टैल्जिक। आई हैव स्पेंट माय चाइल्डहुड इन कश्मीर, स्पेशली ऑन दिस प्रॉपर्टी, एंड टू कम बैक हियर आफ्टर सो मेनी इयर्स। आई हैव डन अ फेयर बिट ऑफ शूटिंग अप इन द ले एरिया, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एक्चुअली शॉट अ फिल्म इन in and around Srinagar and in Sonmark, and it's nostalgic for me because I've come here when my father used to shoot all his films, and it truly is heaven on earth, and very very happy to be back, and it's still as beautiful as it was. And we've shot so many films, the Indian film industry has shot so many films in Kashmir, and I'm very sure that they will start coming back. In the past couple of years we have seen a fair amount of films coming from India, all over India, to shoot in Kashmir, and I think that trend will grow. Will you share some points about your film that purports to be away? I'm shooting a film called Man Marziya, which we finished last night. It's directed by Mr. Anurag Kashyap. How did you see the atmosphere of Kashmir? Beautiful, as always, always beautiful. We're here to talk about Kashmir, and it's a beautiful place. And I hope that more people come back and shoot films over.